विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में साकेत बुद्ध भूमि बचाने का जो आंदोलन चल रहा था, पिछले 7 मई को जो अवशेष मिले थे समतलीकरण के दौरान, उसके ऊपर अनेक लोगों ने अपने अपने ओर से निवेदन सरकार को भेजे, राष्ट्रपति को भेजा, प्रधानमंत्री, यूपी के सीएम को, कलेक्टर को, डीएम को, सभी लोगों को अपने अपने स्तरों पे देश में से, विदेशों में से ये निवेदन सरकार को भेजे, यूनेस्को को भेजे, और फिर इन एप्लीकेशंस, निवेदनों का ये जो सारा ये लेकर वहां पर समतलीकरण का जो काम था वो रोक दिया गया था। और फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई थी। मैंने उस समय भी एक वीडियो बना के कहा था कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से पीजी ज्योतिकर, इनके इनके जो लोग हैं, ये पिटीशन को डालने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने तभी कहा था कि पीजी ज्योतिकर ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और ये लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ओर से अगर पिटीशन डालते हैं तो ये काम हिंदुओं के फेवर का करेंगे, क्योंकि जो बंदा खुद विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है वो कहीं पर भी बौद्धों की जो पक्ष है उसको नहीं रखेगा। और फिर हुआ यूं कि उन्होंने पहले ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये टाइटल वहां पर रजिस्टर कर लिया सुप्रीम कोर्ट में, और हम लोगों को जो पिटीशन डालनी थी उसका अवसर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही संस्था से दो पिटीशन वो अलाउड नहीं करेंगे। और फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पीजी ज्योतिकर, चंद्रबोधि पाटिल, ये लोग पिटीशन लड़ रहे थे। मैंने इसके बाद दूसरा वीडियो भी एक उसी समय में, आप मेरे पेज पे जाकर देख सकते हो, मैंने तभी बताया था हम किसी राम मंदिर के निर्माण के विरोध में नहीं है, हम इस बात के समर्थन में है कि वहां से बुद्धा के अवशेष मिल रहे हैं, और वो अवशेष अगर किसी भी स्थान से, सिर्फ वो साकेत में नहीं, भारत में किसी भी स्थान से अगर बुद्धा के अवशेष मिलते हैं, पुराने अवशेष मिलते हैं, तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है वो उस जमीन पर लागू हो जाता है। तो हमने यही बताया था कि हम किसी राम मंदिर के निर्माण के विरोध में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वो जजमेंट दे दी है, हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, और इसलिए हम वहां पर राम मंदिर बनाओ या जो मर्जी है वो बनाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पर अगर बुद्धा के अवशेष मिले हैं तो हमारी मांग यही है कि वहां पर ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो लागू हो, और वो जो अवशेष मिले हैं वो बौद्धों के निगरानी में, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में, और चाहे तो यूनेस्को, जो दिल्ली में भी एक यूनेस्को की विंग है, उनके निगरानी में ये सारे बुद्धा के अवशेषों का जतन करने का काम किया जाए, ये हमारी मांग थी। ये मांग हमने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से हम लोगों ने कहा, ये सारा उन्होंने जो हमें गाइडेंस दी थी उस गाइडेंस के ऊपर हमने ये मांग उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का कहना था कि ऑलरेडी एक जजमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, और वो भी हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट देने वाले को राज्यसभा में भेज दिया गया है, तो ऐसा जजमेंट वो कितना भी आप लोग पैर पटक लो, हाथ पटक लो, उस जजमेंट के खिलाफ आप नहीं जा सकते। और इसलिए हमें ये मुद्दा अलग तो तरीके से उठाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर वही बात उठाई गई कि ऑलरेडी 20-25 साल के बाद जिस पर पूरे विश्व का लक्ष्य लगा हुआ था, ऐसे जजमेंट को हम नहीं मानते, ये कहना सुप्रीम कोर्ट में कहना ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये किया गया था। और इसमें आज शेड्यूल कास्ट की ओर से जो राज्यसभा में मेंबर हैं, इनकी मोदी के साथ मीटिंग हुई और मोदी ने इस तरह के जो पिटीशन बनी है, इस तरह के पॉइंट्स उसमें डालने के लिए कहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट इन पिटीशनर्स को फटकारे। सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए जजमेंट के खिलाफ
कैसे जजमेंट दे सकती है। और इसलिए कल जो प्रकार वहां पर हुआ, ज्योतिकर इनके पक्ष के लोग वहां पर गए और जो इनका प्लान था उसी तरह से प्लानिंग के तहत ये बात वहां पर पिटीशंस ठुकराई गई। मैं आज भी कहता हूं हमारी मांग वहां पर मंदिर बने नहीं बने हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले से ही 20-25 सालों के बाद इतनी बड़ी जजमेंट जिस पर पूरा विश्व का लक्ष्य लगा हुआ था और जिसने ये जजमेंट दी उसे राज्यसभा में भेजा हुआ है, क्या ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट वहां से हटाएगा? तो इसलिए हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाकर, हम लोगों को प्लानिंग करके वो मुद्दे रखने चाहिए थे जो ASI का कानून है उसके तहत हमको ये मुद्दे रखने चाहिए थे। लेकिन ये बात वहां पर मेंशन करके कि ये राम मंदिर नहीं, ये बुद्ध विहार बनना चाहिए, ऐसा ये सब मांग रखने के बाद ये हमारी जो पिटीशंस है वो ठुकराई गई। ठीक है, कल हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस को ठुकराया गया। पीजी ज्योतिकर हो, चंद्रबोधी पाटिल हो, इनको जिस काम पर लगाया गया था उन्होंने उनका काम बाखूबी उन्होंने ये काम निभाया है। लेकिन अभी तो मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं और ये मेरी ओर से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस मोमेंट में हमारे जैसे लोग, सूट बूट टाइकोट वाले उपासक लोगों को इसमें ना आने दिया जाए। ये मूवमेंट पूरी तरह से बौद्ध भिक्कुओं के हाथों में रखी जाए, क्योंकि बौद्ध भिक्कू अगर इस मूवमेंट को आगे लेकर जाएगा तो वो कभी बिकेगा नहीं। और इस तरह का भिक्कू हम लोगों को सामने लेकर आना है, जैसे हमने सुमित रत्न जी को देखा, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने लॉकडाउन में भी वहां पर जाकर पहुंचे, वो काम बंद करवाने के लिए प्रयत्न किए। तो ऐसे बौद्ध भिक्कुओं के हाथों में ये कमान दी जाए, साकेत बुद्ध भूमि को बचाने की कमान बौद्ध भिक्कुओं के हाथों में हो, हम सभी लोग उनको सपोर्टिव भूमिका करें। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पीजी ज्योतिकर के माध्यम से जो पिटीशंस डाली गई थी किस तरह से वो खारिज हो इसके लिए प्रयत्न किए गए थे। ऐसे ही अलग 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 मूवमेंट चलाने वाले लोग कहीं ना कहीं बिक जाएंगे या किसी व्यवस्था के हस्तक होंगे, RSS के हस्तक होंगे, BJP के हस्तक होंगे, तो हम बता नहीं सकते। और इसलिए मेरी ये इच्छा है कि ये मूवमेंट बौद्ध भिक्कुओं के हाथ में हो। और मैंने टाइटल दिया कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मैंने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमें इनसे कोई वैसे भी भरोसा नहीं था, हमें इनसे इन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कम और ये शर्मा तिवारी मिश्रा कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया है, तो ये यही लोग सारे इसमें बैठे हुए हैं। हमारे भी एक बंदे को बिठाया कि देखो आपका भी बंदा इसमें जजमेंट देने के लिए काम कर रहा है। तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय व्यवस्था हो, हमें पता है कि कितना हम लोगों को इसमें से रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए अब रास्तों पर की लड़ाई लड़नी होगी और एक वर्ल्ड पीस रैली का आयोजन हम लोगों को करना है। सारे बौद्ध भिक्कुओं को मिलकर, जितने भी भारत के बौद्ध भिक्कू मुझे ये सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, मैं उन सभी लोगों से, बौद्ध भिक्कुओं से ये विनती करना चाहूंगा कि सभी बौद्ध भिक्कू अपने अपने अलग अलग संगठन बौद्ध भिक्कुओं का है, ऑल इंडिया भिक्कू महासंघ हो, बाकी सभी अलग अलग बौद्ध भिक्कू हैं, भंते नागा प्रकाश नागा सुरई ससई जी है, उनका संगठन है, बाकी जितने भी बड़े बड़े बौद्ध भिक्कू हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मूवमेंट को हाथ में ले। जितने भी भारत में के और भारत के बाहर के बौद्ध भिक्कू हैं उनकी एक रैली निकाली जाए, हम सभी लोग उनमें शामिल होंगे, लेकिन लीड इसको बौद्ध भिक्कू करें और बौद्ध भिक्कुओं के नेतृत्व में हम इन बौद्ध अवशेषों को जतन करने का काम, अगर वहां पर आप नहीं कर सकते, हमारी वो भी मांग नहीं है कि उसी जमीन पर की किया जाए, वो जो बौद्ध अवशेष वहां से मिल रहे हैं वो हमें दे दे, हम उसका भव्य दिव्य स्वरूप में उसको हम लोग स्थापित करेंगे। भारत में सबसे बड़ा वहां पर हमारा प्रेरणा स्थल वहां पर बनाएंगे और हमारी जो धरोहर है
ये लोगों को बताने का काम करेंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ ये प्लानिंग के तहत, पूरे साजिश के तहत इसी तरह से रिजल्ट वहां पर आना था और वो आया। लेकिन अब भी हमारे हाथ से ये मौका नहीं गया है। इस मोमेंट को, बौद्ध भिक्षुओं को लीड करके हम जितने भी उपासक हैं उनके पीछे खड़े रहे, डटकर खड़े रहे और एक वर्ल्ड पीस रैली का आयोजन वहां पर करें। यही कहने के लिए मैं आज आपके समक्ष लाइव आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।